Assalamualaikum everyone. So we are back again with our new topic, satellite types and its application. This is the important topic of information technology, and I hope this will be very helpful for you guys. So satellite is an object which revolves around another object which is having a huge mass. So like when we talk about Earth, तो अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है देन मून. सो अ मून इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ एंड अर अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन. सो सन अर्थ इज़ द सेटेलाइट ऑफ सन एंड मून इज़ द सेटेलाइट ऑफ अर्थ. वी कैन से लाइक दिस. सेटेलाइट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो बस रिवॉल्व करे किसी भी बड़े ह्यूज ऑब्जेक्ट के आसपास. ओके okay? तो हमारी सेटेलाइट्स जो होती हैं वो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स होती हैं. तो वो भी हमारी सेटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती हैं और हमारे लिए वो बहुत यूज़फुल होती हैं. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इसी तरह हमारा जो चांद है, मून, वो भी रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ. तो हमारे जो अर्थ की ओरिजिनल नेचुरल सेटेलाइट है वो कहलाएगा हमारा चांद, मून. और जो हमारे सन की ओरिजिनल सेटेलाइट्स हैं वो हैं हमारे प्लैनेट्स. ओके हमारी जो नेचुरल सेटेलाइट है वो सिर्फ एक ही है, यानी हमारे पास एक ही मून है. बाकी जो हम जानते हैं जुपिटर, मार्स और ऑल ऑफ द अदर प्लैनेट्स हैव मैनी मून्स. सो उनकी वो डिफरेंट सेटेलाइट्स हैं. पर अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स भी बहुत सारी हैं. ओके तो टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज होती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि सेटेलाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो आप बेहतर है कि वो लेक्चर भी देख लें. तो उसमें हमने वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन को कवर किया था. तो वायरलेस कम्युनिकेशन में यही होता है कि हम अपनी सेटेलाइट को भी यूज़ करते हैं. और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंटीनास, ये सारे यूज़ होते हैं. तो साथ ही साथ हम सेटेलाइट कम्युनिकेशन भी यूज़ करते हैं इन वायरलेस कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है अपलिंक्स एंड डाउनलिंक्स. तो क्या मतलब है अपलिंक और डाउनलिंक का, ये मैं आपको बताती हूँ. अपलिंक और डाउनलिंक का मतलब ये है कि जब हमारा अर्थ स्टेशन वो होता है जो रिसीव करता है सिग्नल को हमारे. ओके सेटेलाइट से जो भी सिग्नल आएंगे या हमें जो भी सिग्नल सेटेलाइट को भेजने हैं, यानी देखें ना हमारे पास जो वेदर फोरकास्ट हमारे पास होती हैं, तो क्या होता है कि सेटेलाइट जो होती हैं वो इमेजेस लेती हैं. वो फिर क्या करती हैं कि हमारी इमेजेस लेकर सेटेलाइट वो अर्थ स्टेशन को भेजती हैं. अर्थ स्टेशन फिर अगर दूसरी सेटेलाइट पर भेजना चाहते हैं तो दूसरी सेटेलाइट पर वो सिग्नल सेंड किए जाते हैं. और फिर वो सेटेलाइट जो होती है वो रिसीव करती है स्पेस स्टेशन वाली सेटेलाइट, और फिर उसका अर्थ स्टेशन दोबारा उस सिग्नल को रिसीव करता है. इसका मतलब ये है कि देखें ये जो सेटेलाइट है हमारे पास, ये हमारे पास है सेटेलाइट. इसको हम कहते हैं ये स्पेस में होती तो इसको हम स्पेस स्टेशन कहते हैं. ठीक है अब जब यहाँ पर सेटेलाइट के पास कोई भी अर्थ स्टेशन सिग्नल अपना भेजेगा, यानी यहाँ पर कोई भी अर्थ स्टेशन है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे जो हमारे कोई भी कंट्री है, तो वो सिग्नल भेजना चाहते हैं अपने, तो वो यहाँ से सिग्नल भेजेंगे तो उस सिग्नल को हम कहेंगे अपलिंक. यानी कि हमारी एक फ्रीक्वेंसीज, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होंगी जो हम अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के लिए डिफरेंट यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसीज. ओके ऑब्वियसली सी बात है कि हम एक ही फ्रीक्वेंसी अपलिंक और डाउनलिंक के लिए यूज़ नहीं कर सकते. वो इस वजह से नहीं कर सकते, देखें अपलिंक और डाउनलिंक की अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यानी F1 होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो हम सिग्नल भेज रहे हैं, वही सिग्नल हमारे पास रिसीव हो रहा है, दोनों सिग्नल एक दूसरे से टच होंगे, इंटरक्रॉस होंगे और वो डिस्कार्ड हो जाएंगे रास्ते में. तो हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज चाहिए रिसीविंग के लिए भी, रिसेप्शन के लिए भी और सेंडिंग के लिए भी. तो हम क्या करते हैं कि अपलिंक डिफरेंट यूज़ करते हैं और डाउनलिंक. अपलिंक का मतलब ये है कि जो हमारे अर्थ स्टेशन से सिग्नल जाएगा स्पेस स्टेशन पर, यानी सेटेलाइट पर. और डाउनलिंक का मतलब ये है कि सेटेलाइट से जो सिग्नल हमारे पास अर्थ स्टेशन के पास आ जाएगा.
ओके बात समझ आ गई। इस तरह ये अपलिंग और डाउनलिंग काम करती हैं। अब अपलिंग जो होती हैं फ्रीक्वेंसीज वो 6 GHz से लेकर 14 GHz तक होती हैं, और डाउनलिंग फ्रीक्वेंसीज हम 4 से 12 GHz की कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन आर एप्लीकेशंस। फ्रीक्वेंसीज हम हमेशा एप्लीकेशन के हिसाब से यूज़ करते हैं कि जो हमें एप्लीकेशन यूज़ करनी होगी उसी तरह की हम फ्रीक्वेंसीज यूज़ करेंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। ओके तो नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। तो हमारे जो CSS ने एक बार क्वेश्चन भी आया था कि नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो नेचुरल कहें या पैसिव कहें बात एक ही है, ठीक है, हम नेचुरल कहें या पैसिव सैटेलाइट कहें बात एक। नेचुरल में फ़र्क ये है कि नेचुरल सैटेलाइट बस मून ही, हमारे मून है वो हमारे नेचुरल सेटेलाइट हो गए, लेकिन पैसिव सेटेलाइट थोड़ा सा उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि देखें, पैसिव सेटेलाइट का मतलब ये है कि कोई भी सिग्नल, पैसिव कोई भी काम अपनी तरफ से नहीं करेगा। पैसिव का मतलब ये है पैसिव सिर्फ जो भी उसके पास सिग्नल आएंगे वो उसको रिफ्लेक्ट करवा के आगे भेज देगा, समझ रहे मेरी बात। जैसे अब हमें अगर चांद, हमें मून जो है हमें मून लाइट प्रोवाइड करता है, तो वो कैसे, वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करता, वो हमें सूरज की लाइट जो होती है वो मून से टकराती है, ठीक है, और मून जो है वो रिफ्लेक्ट करके हमें लाइट देता है, समझ आ गई बात। तो ये जो है नेचुरल सेटेलाइट हो गई, क्या हो गई, मून हमारी नेचुरल सेटेलाइट हो गई, ठीक है, नेचुरली हमारे पास है। इसी तरह हमारे जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनके भी डिफरेंट नेचुरल सेटेलाइट्स हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि उनकी पैसिव ही सेटेलाइट। नेचुरल सेटेलाइट्स और पैसिव सेटेलाइट ऑलमोस्ट सेम है, उनका काम दोनों का सेम है कि वो रिफ्लेक्ट करेंगे सिग्नल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि लाइट सिग्नल आते हैं, सिग्नल का मतलब लाइट ही आती है, ठीक है, तो लाइट को वो रिफ्लेक्ट करके दे रहा है हमें। पर इसमें क्या है कि हमारे पास नेचुरल में, पैसिव में कोई भी सिग्नल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लाइट सिग्नल हो, लाइट सिग्नल नहीं होते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं। वो क्या है कि देखें, एक सेटेलाइट को दूसरी सेटेलाइट पर अगर सिग्नल भेजने हैं, ठीक है ना, एक सेटेलाइट है यहाँ पर, उसको दूसरी सेटेलाइट पर अगर सिग्नल भेजने हैं तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, यानी हम पैसिव सेटेलाइट भी दोनों यूज़ हो सकती हैं हमारे पास, समझ आइए आपको, सिर्फ रिफ्लेक्ट करवाने के लिए। ओके उसके बाद आई होप आपको पैसिव का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये सिर्फ होता है रिफ्लेक्शन के, बाय रिफ्लेक्शन ये सिग्नल ट्रांसमिट करेगा एक सेटेलाइट से दूसरे सेटेलाइट पर। ओके उसके अलावा हमारे पास होती हैं, देखें, एक्टिव सेटेलाइट। एक्टिव सेटेलाइट आपको ये नज़र आ रही हैं, ये हैं हमारी एक्टिव सेटेलाइट, ये हैं स्पुटनिक। स्पुटनिक सेटेलाइट हमारे रशिया ने भेजी थी, आपको याद ही होगा, उसके बाद अमेरिका ने भेजी, और जो फर्स्ट डॉग था जो स्पेस में गया था उसका नाम क्या था आपको याद है, उसका नाम था लाइका, ठीक है। तो हमारी एक्टिव सेटेलाइट वो होती हैं जो सिग्नल को रिसीव करेंगी पहले, फिर सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगी, रीजनरेट करेंगी, उनकी स्विचिंग करेंगी कि हमें कहाँ पर किस सेटेलाइट पर भेजनी है, वो सारे काम करेंगी, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये जो हमारी सेटेलाइट होती हैं जो स्पेस स्टेशन में होंगी, तो वो हमारी क्या करेंगी, सेटेलाइट वो सिग्नल को रिसीव करेंगी अर्थ स्टेशन से, उसको रीट्रांसमिट करेंगी, सिग्नल प्रोसेसिंग करेंगी, इसका मतलब एम्पलीफाई करेंगी सिग्नल। एम्पलीफाई का मतलब जैसे देखें ना, डिस्टोर्शन आ जाती है ना सिग्नल में, अब इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, इतने माइल्स किलोमीटर्स का डिस्टेंस वो कवर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमारा सिग्नल कवर करेगा, तो आप देखें उसमें डिस्टोर्शन आएगी, एटेन्यूएशन आएगी। ओके सो व्हाट आर एक्टिव सेटेलाइट इज डूइंग के ये हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करेगी, रीजनरेट करेगी, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन करेगी। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी उसको यूज़ करनी है एम्पलीफाई करने के लिए, ये सारे स्विचिंग करेगी कि कौन सी सेटेलाइट पर मुझे भेजनी है। तो ये सारे जो काम होते हैं ट्रांसमिशन वगैरह के, ये हमारी एक्टिव सेटेलाइट करेगी। देखिए पैसिव सेटेलाइट नहीं कर सकती ना, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही है सिग्नल। एक्टिव सेटेलाइट के बहुत सारे काम होते हैं, और मैक्सिमम हम एक्टिव सेटेलाइट्स ही यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन में और हर चीज़ में। ओके तो देखिए ये है फ्रीक्वेंसीज बैंड्स। मैंने सोचा मैं आपको ये भी बता दूँ, वैसे तो आई थिंक ये नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वो मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया, लेकिन ये सारे जो है ना बैंड्स हैं,
ये हमारे बैंड डिफरेंट रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, कुछ रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, कुछ वेदर फोरकास्टिंग के लिए सिर्फ यूज़ होते हैं, कुछ जो हैं सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए होते हैं, कुछ रिसर्च वगैरह। तो इन सब के लिए डिफरेंट सिग्नल जो हैं यूज़ होते हैं, और डिफरेंट बैंड होते हैं फ्रीक्वेंसीज के, वो यूज़ होते हैं। एल बैंड, एस बैंड, तो आप इस तरह चाहें तो याद कर सकते हैं।